ये वीडियो देख रहे हैं ना आप, इस वीडियो की वजह से एआर रहमान अचानक से सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करने लगे हैं। दरअसल इस वीडियो में एआर रहमान ने जो कुछ कहा है उसके बाद देश में हिंदी बोलने वाले लोग उन पर भड़क गए हैं। ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। दरअसल ये मौका साउथ की फिल्म 99 की ऑडियो लॉन्च का था। इस दौरान स्टेज पर मौजूद एंकर ने एआर रहमान का स्वागत करते हुए हिंदी में कुछ लाइंस बोली। इसके बाद एआर रहमान ने इस पर एंकर को ट्रॉल करते हुए रिएक्ट किया और फिर वो स्टेज से नीचे उतर गए। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए। देखा आपने, अब मसला ये हुआ है कि एआर रहमान के इस जेस्चर के बाद हिंदी बेल्ट के लोग थोड़े भड़क उठे हैं। उन्हें शिकायत इस बात से है कि हिंदी में बॉलीवुड के लिए इतने गाने बनाने के बावजूद आखिरकार रहमान उसी हिंदी का ऐसा मजाक भला कैसे उड़ा सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही भी है। अगर एआर रहमान भारत के लेजेंडरी म्यूजिशियन बने हैं तो उसके पीछे सिर्फ साउथ नहीं बल्कि नॉर्थ बेल्ट का भी हाथ है। रोजा, बॉम्बे, साथिया, युवा, तमाशा, रांझणा, रॉकस्टार, स्वदेश, रंग दे बसंती से लेकर रंगीला तक रहमान की म्यूजिक पर न सिर्फ हिंदी बेल्ट के लोग झूमे हैं बल्कि उन्हें अपना मानकर अपने जैसा ही प्यार भी दिया है। फिर भला रहमान के लिए हिंदी इतनी गैर कैसे हो गई? क्या रहमान ये भूल गए कि जिस जय हो गाने के लिए वो ऑस्कर तक की रेस में शामिल हो गए उस गाने को हिंदी में गुलजार ने लिखा था, तो वही गाते वक्त उनके साथ पंजाबी सुखविंदर सिंह ने सुर से सुर मिलाया था। खैर, जिस हिंदी ने रहमान को इतना प्यार और सम्मान दिया, अब 99 के ऑडियो लॉन्च उसी हिंदी के नाम पर रहमान के इस मजाक के पीछे क्या बात थी ये तो रहमान ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन फिलहाल तो रहमान के इस जेस्चर पर गुस्साई जनता क्या कुछ कह रही है वो भी देखते जाइए। वीडियो पर आए इस कॉमेंट को जरा देखिए। Now it's best if he really have respect for himself if they're not sing in Hindi. Is there any problem in Hindi? Is Hindi is not a language to be used by professionals? It's really a shameful moment. लोग कह रहे हैं कि अगर रहमान के दिल में खुद के लिए जरा भी इज्जत है तो फिर उन्हें हिंदी में गाने भी नहीं गाने चाहिए। वहीं ट्रूथ तरुण नाम के एक यूजर का कहना है कि आखिर हिंदी से क्या प्रॉब्लम है, क्या हिंदी वो भाषा नहीं है जिसका प्रोफेशनल इस्तेमाल कर सके। ये वाकई एक शर्मनाक लम्हा है। रहमान जैसे मशहूर संगीतकार के इस बॉडी लैंग्वेज से उनके काफी फैंस भी सदमे में हैं। आखिर एक कलाकार भाषा के नाम पर किसी को भी कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।